एक अच्छी डिश बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है? कुछ मसाले, कुछ इंग्रेडिएंट्स और बन जाती है एक अच्छी डिश। बट जब एक्स्ट्रा मसाला गिर जाता है तब शायद वो जो डिश है वो कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है कि हम बता नहीं सकते किस तरीके से बनी होगी। ऐसा ही कुछ हो रहा है ग्रुप वन के साथ, जहाँ पे बारिश का जो मसाला लगा है, जो तड़का लगा है बारिश का, उसके वजह से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है उनके अलावा हमें रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ग्रुप टू में उतना इफेक्ट नहीं किया है बारिश ने, बट फिर भी कुछ मैचेस ऐसे हैं जो अबैंडन करने पड़े, जिसके वजह से टीम्स ने पॉइंट्स शेयर किए। बट भारत बनाम साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला पर्थ में होने वाला है, अब सभी की निगाहें उस पे रहेंगी। एक्चुअली ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड के ऊपर रहेंगे कि क्या बारिश होने वाली है, क्या बादल दिख रहे हैं, क्या सूरज दिख रहा है। और ये सब सवाल जैसे आपको है वैसे हमें भी है, तो हम लेके आए वेदर फोरकास्ट कि क्या होने वाली है वेदर कंडीशंस ऑन द डे ऑफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वैसे तो टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि क्लाउडी और ग्लूमी वेदर रहेगा, बट बारिश के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम। वैसे भी पर्थ की जो विकेट है वो बहुत ज्यादा पेस फ्रेंडली है, पेस बहुत, बाउंस बहुत, बट उसी के साथ थैंकफुली नो बारिश। क्योंकि अगर बारिश आ जाए तो एक तो आपकी आउटफील्ड की कंडीशंस थोड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर आपका पिच जो बहुत अच्छे से आपको बाउंस और पेस देता है उस पे अफेक्ट होता है। और साउथ अफ्रीका जिस तरीके का गेंदबाजी का लाइनअप रखता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन टॉप ऑर्डर किस तरीके से उनके अगेंस्ट खेल पाती है। बेसिकली इस मुकाबले में सभी इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाला भी बहुत है, पर जो एक्स्ट्रा एडेड मसाला है ना वो नहीं चाहिए। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, क्लाउडी ग्लूमी रहेगा, बट बारिश के चांसेस नहीं। बट दैट इज इट फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम पर्थ, जो होने वाला है मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और कल आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर, हम लेके आएंगे आपके लिए ऐसी बहुत सारे वेदर अपडेट्स एंड अदर स्पोर्ट्स अपडेट्स। तो जुड़े रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।